हाल? अरे अल्लाह, दही खा लो, दही दही थोड़ा अच्छा दही, ठीक है ना? ठंडा ठंडा है, फ्रिज में से निकाला है। लल्ला का नेक्स्ट खड़ा हो जाओ, खान दो। लल्ला को अलार्म लगाना थोड़ी देर बाद में, आ करके बजाएंगे थोड़ी देर में। जल्दी से खा लेना, मैं भी दलिया खा के आता हूँ, दलिया, ठीक है ना? फिर सो जाना, थोड़ी देर आराम करना है। काम कर लिया, हम सो ही को नहीं आया ना। उठना या फिर नहीं उठना? उठना है क्या? अले उठ ले बाबूजी, देख नैने सांस आ गए। वो तो एक बार बताओ, ओतो गोपाल जी, वो तो जल्दी, वो तो लो उठ गया। उठ गया, उठ गया, उठ तो ले, उठ गया, उठ गया, उठ गया, उठ गया। अब इसको भी खाना खाना है, खाना लाओ उसका। अभी रोटी पानी जीन लो, सारे लोग तुमको रोटी खाने की तैयारी कर रहे हैं। आप सो रहे हो? कुट लगा, सही बात है बेटा, के करा देखिए, तो खुद तो बांध ली ऊपर और चोटी कर ली, गर्मी लग गए। नैनी कह रही इनके बाल बांधने चाहिए, गर्मी लगती होगी, लेकिन भाई ये नहीं लगती इनको, क्या बताएं, ये आजकल की जनरेशन है भाई, इनको गर्मी लगती है। वो नहीं है ना, और सलाद कट गया है, खीरे का टमाटर काट खाएंगे शाम को, क्योंकि हम पैसे वाले हैं। खीरे टमाटर देखो, ऐसे टमाटर 1 किलो लाए अभी। औकात आ गए अपनी औकात पे। और आज बनी है हमारे दाल मखनी, ये देखो मजेदार। मक्खन और डालना इसमें, इधर रोटियां सिक रही हैं और हम खाने के। तो जी आज नागौर के लाडनू से पूनम जी जो हैं उनका जन्मदिन है। तो जी पूनम जी, आपको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, भगवान आपका जीवन मंगलमय बनाए, हर प्रकार की खुशी दे, और घर परिवार और समाज में प्रेम और एक दूसरे का सहयोग बनाए रखे। शिवंश चीटे खा जाएंगे गोपाल जी को, एक बार हटा के बता दे। ये लो जी, आज तो भर भर के ही और वो मेरे बना पास भी दियो। पर्स आ गया, सिवांस के पास पर्स आ गया, इसमें क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, मैं नया लेके आ गया। कार्ड, और इधर वो क्या बोलते हैं, चिट्ठी गोपूरा लगेगी, नहीं यार, चिट्ठी सिवांस लगेगी इसका उनको भी नाम बहुत सारी। नाम रख दिया आज से, सही नाम लड्डू। लड्डू रे, लड्डू पी रहा है आपने क्या? बनाना से बनाना सी अब हमें कब मिलेगा पिला दे देनी पापा? इसको, पिला। चिट्ठी लग जाएंगे मुंह पे, फिर मस्त मुंह धोना पड़ेगा, मुंह धुलवाते मुंह धोना पड़ेगा। और ये नहीं है। मेरे जैसे आलसी थोड़े है। पहले इतना मुंह तक खेले मुंह पे चेप दिया, फिर कई देर तक ही खत्म नहीं हुआ। अच्छा यही काम है भाई, सही बात है। तो जा जाओ बनाना से एक पी लो, खूब भर भर के गिलास। के हाय है क्या है, ऐसे क्यों लेटा अभी तू है? क्या है गुस्सो? सबको गुस्सा आ रहा है, सबको, किसी को नहीं लेके गया मैं बाजार। ये देखो ये सामान, और हे भगवान, ये देखो पूरा भरा होगा ना, चारों है, बिल्कुल नहीं जाऊं लड्डू गोपाल ने एक लाइन छोड़ के, कोई काम हो जाओ एक लाइन करोगा ही बाजार को। बिल्कुल सही बात है, इतना गुस्सा थोड़ी आया करें यार, गुस्सा की बात तो नहीं, आज के बाद नहीं जाऊं कदे भी, कदे ही नहीं जाओ, घर से बाहर ही नहीं निकलो। कह रहे हो मैं मेरे काम करना है, वीडियो एडिट करना, मतलब आपके पास बोलने की फुर्सत भी नहीं है, बोलने के लिए समय भी नहीं है, और बाजार ले जाता तो वो भी समय ना है, तो मैं तो नहीं सोच के जा रही थी काम साथ पे सही हो जाए, वो चाहो 3 बार फोन करोगे वो ना करना पड़ेगा। बोल आप सिर्फ मेरे फोन नहीं करना पड़े इसलिए जाओ, मतलब है नहीं और कोई मतलब को नहीं। वाह जी वाह, कितनी समझदार लोग यार, कितना ध्यान रखा आदमी को, देखो कि आदमी को फोन नहीं करना पड़े दुकान पे जाने के बाद में, इसलिए साथ जाती है ना। हाँ, अंदर की बैठो, बाहर बैठो थोड़ी सी उसके अंदर, थम बैठ जाओ, मैंने काम करने दे, खुद को तो बना रहे, मेरे पीछे पड़े है तो खुद भी बनाओ ना। तो मेरे वैसे कौन बना ना, कैसे छोड़ दी मैं वीडियो व्लॉगिंग, व्लॉगिंग व्लॉगिंग छोड़ दी,
क्या बात है जी, आपकी तो बात ही न्यारी होगी, निराली होगी। आज नहीं लेके आया मैं बिस्किट, मेरे को अभी बोला था आपकी मम्मी ने जब मैं यहाँ आ गया था रास्ते में। सच में नहीं लेके आया मैं तो है? और भी किमी कौन लेके आया बेटा, क्या देखा तू? तेरे पापा भी ना कह ले आज के। तो जी आज मैंने अभी तो बनियानी पहन रखी है यार, गर्मी हो रही है, फिर भी मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो बनाता हूँ। वैसे बनियान में यार कोई गलत नहीं है, मतलब वैसे अगर देखा जाए तो कल परसों मतलब एक कमेंट आ रहा था थोड़े दिन पहले, जिस टाइम मैंने बनाया था एक दिन बनियान में बना लिया था, बोला कि शर्मा जी बनियान के अंदर वीडियो मत बनाया करो क्योंकि आपके वो लोग ज़्यादातर लेडीज़ भी देखती हैं और बहन भी होती हैं, बेटियाँ भी होती हैं। लेकिन यार मतलब चलो ठीक है, उनकी बात बहुत अच्छी है मैं मानता हूँ, लेकिन बनियान, फर्स्ट बात तो बनियान पहनने में कुछ गलत नहीं है, ठीक है। और सेकंड नंबर, अगर यही चीज़ सोचा जाए तो शायद मैं तो बनियान ही पहन करके मतलब बनियान के अंदर ही बना रहा हूँ। मैं एक चीज़ और देखिए, अपने हिंदू धर्म के अनुसार बड़े बड़े मंदिरों में पंडित लोग खाली धोती पहन के रहते हैं, एक जने उदाहरण के लिए वही रहते हैं, सच्चाई है उसमें, कुछ गलत नहीं है। ऊपर से वो तौलिया रहता है इधर से दुपट्टा टाइप में, लेकिन कुछ लोगों की क्या है कि वो टीवी के अंदर तो इतनी घटिया चीज भी देख लेते हैं। टीवी के बहुत बड़ा ब्लॉगर ऐसा है जो खाली वो के गया करी एक शॉर्ट्स पहन के, और वो वही तो चीज है कि टीवी के ऊपर, और जो मतलब जितनी फेमस पर्सनैलिटी जो टीवी के ऊपर आ रहे हैं, एड दे रहे हैं यार, कितनी गंदी गंदी किस किस चीज की एड होती है। मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा क्योंकि बच्चे भी देखते हैं, बस थोड़ा सा समझ जाए वही सही है। शायद हो सकता है मेरे पास वो स्क्रीनशॉट हो और शायद नहीं भी होगा, लेकिन मुझे याद आ गया क्योंकि बनियान की बात आई, और उसकी कोई बात नहीं है, चलो छोड़ो। जो जिसकी जैसी सोच, जिनको मतलब अपने आप में ज़्यादा स्मार्ट होते हैं वो लोग ही ऐसे कमेंट करते हैं, और वो उनके घर में शायद टीवी मेरे हिसाब से 46 इंची से भी 52 या ऐसे कोई बड़ी स्क्रीन होती होगी, इतनी बड़ा टीवी है, क्योंकि अच्छे खासे पैसे वाले हैं वो। एक चीज़ और कहूँगी, चलो हम तो जेंट्स हो, अरे लेडीज जो कट स्लीव पहन के जाएंगी इतनो सोई है, आप जयपुर में देखी थी मतलब यार हद हो रखी है, निक्कर पहन रखी है शॉर्ट्स, और उसके ऊपर इतना सा ब्लाउज जितना ही टॉप पहन रखा है। देखते हैं वो पैसे वाले, देखते हैं मेरी बनियान ही अगर कोई ऐसी होती है कि आजकल भाई इतनी महंगी महंगी भी चल रही है तो, और मैं भी एक थोड़ा सा बड़ा वो होता, खैर मेरे जितने व्यूवर्स हैं उनके लिए तो मैं हूँ ही सब कुछ ये समझो, और जिनको बकवास मारनी है वो तो ऐसे ही करेंगे, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन थोड़ी गर्मी इसलिए पहन ली। अब मैं बता रहा था, मेरे पास एक कमेंट आया था आज कि शर्मा जी क्या हम रसोई में मंदिर रख सकते हैं? तो जी मैंने कुछ दिन पहले भी बताया था, और हमने खुद ने भी रसोई के अंदर रख लिया है, क्योंकि अभी इस कोने के हिसाब से ईशान कोण हमारा थोड़ा खाली पड़ा है, तो उस जितनी जगह के अंदर मकान बने उस हिसाब से रसोई के, रसोई का जो ईशान कोण है वहाँ पे हमने मंदिर रखा है। और रसोई तो मेरे हिसाब से तो कुछ गलत नहीं है, खैर वास्तुशास्त्र के अनुसार है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर चलें तो शायद, अगर सच्चाई कहूँ ना, शायद की छोड़ो, मानता हूँ कि वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत सारे घर बने होंगे, लेकिन क्या यार वास्तुशास्त्र जहाँ पे एकदम पूर्णतया सच है, क्या वहाँ पे प्रॉब्लमें नहीं आती या दुख नहीं आते या समस्याएं नहीं आती? सब चलता रहता है। देखो फालतू की चीज़ों पे इतना विश्वास मत करो, अगर अपने पास में जगह थोड़ी है तो आप बेशक बेझिझक बना सकते हो रसोई में भी मंदिर, और रूम के अंदर भी ईशान कोण के अंदर मंदिर बना सकते हो। लेकिन अगर रूम, बेडरूम के अंदर बोला था उन्होंने, बेडरूम के अंदर बनाना है तो पर्दा हमेशा होना चाहिए। वैसे तो पर्दा खैर मंदिर के हमेशा ही होना चाहिए, मतलब शाम के टाइम में सोने के टाइम तो, और वही बात है, कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बेशक लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने पास भी अभी इतनी ही जगह है, तो हमने रसोई के अंदर करवाया। धीरे 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 जब हाथ सरकेगा, दो पैसे की आमदनी होगी, तो वहाँ पे मंदिर अलग से सेपरेट बनेगा, ठीक है। तो इतने पैसे वाले हर इंसान नहीं होता कि एक साथ में पूरा घर कंप्लीट कर देगा, और शुरू के अंदर ही मंदिर वगैरह सब चीज़ सेपरेट दिशा के हिसाब से हर चीज़ अलग बनवाए, नहीं। 100 में से 60% ऐसे हैं कि वो एक रूम होता है, फिर दो रूम होते हैं, फिर तीन होते हैं, फिर धीरे धीरे किचन होता है, इसी तरीके से सब बनाते हैं। और 40% पैसे वाले हैं उनकी, उन लोगों को देख करके अपने को दुखी नहीं होना है, अपन जिस हिसाब से हैं, अपने जो पोजीशन है उसी हिसाब से संतुष्ट रह करके हमें हमारा जीवन यापन करना है, न कि उनको ऊपर छूने की कोशिश करेंगे, नहीं, बस मेहनत करते रहो, कर्म करते रहो, और मतलब कर्म करते रहो कि अपना काम करो, कोशिश करो कि हाँ भगवान तरक्की दे, सब कुछ करे,
लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको देख करके दुखी होएं कि हम भगवान की पूजा कहाँ करें, हमारे मंदिर नहीं है, ये कोना गलत है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। सब मन के अंदर रखो, सब सही होगा, कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो, शायद मैंने बहुत ज़्यादा बहुत कुछ बोल दिया होगा। अभी शाम का टाइम हो रहा है, वो दोनों अंदर जा करके पढ़ाई करेंगे। अभी साइकिल चला के आए हैं तो वो लड़ रहे हैं दोनों। उन दोनों का झगड़ा समाप्त करता हूँ पहले।